एक जापान के लोग बहुत ज्यादा डेवलप है, और जापान का एक एरिया है उसका नाम है ओकिनावा। क्या नाम है? ओकिनावा। वहां के लोग 100 साल से ज्यादा जिंदगी जीते हैं। मैडम को पता है ये बात, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सुना होगा। अब आपको मैं ये बताऊं कि उस ओकिनावा के लोग बहुत डेवलप है, काफी डेवलप है, प्रोग्रेस। हर व्यक्ति वहां 100 साल से ज्यादा जिंदगी जीता है। अब अंदाजे की वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है, उनका आज हम बताएंगे पैशन क्या होता है। पैशन होता है किसी काम से मोहब्बत, और किसी काम से सिर्फ मोहब्बत करने को पैशन नहीं कहते, उस काम को करना। जैसे हम में से सब लोग बोलते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, सब लोग बोलते हैं डॉक्टर बनेंगे, सब लोग बोलते हैं पीसीएस करेंगे, सब लोग बोलते हैं इंजीनियर बनेंगे, लेकिन बनते हैं 1000 में 1। आंकड़ा यही है। सक्सेस की रेशियो कितनी है? अगर आईएएस आईएएस बनने के लिए 10,000 लोग बोलते हैं तो बनते हैं, कितने? 10,000 में। उसी तरह डॉक्टर बनने के लिए 1,000 लोग बोलते हैं तो बनते हैं, कितने? डॉक्टर बनते हैं 1,000 में 1, और आईएएस बनते हैं। अब तुम ये बताओ, तुम 9,999 में हो या 9,999 में हो या 1 में हो? अगर तुम बोलो तुम डॉक्टर बनोगे, तुम 999 में हो या 1 में हो? क्योंकि 1,000 में 1, और आईएएस बन रहा है तो 10,000 में 1। अब तुम किधर से सोच सकते हो? तो वजह क्या है? वजह है इकीगाई। इकीगाई का मतलब है जिस काम से आपको मोहब्बत है उस काम को करना, जो करना चाहते हैं वो अंजाम तक पहुंचते हैं। ये है फंडा, समझ में आ रही बात। और इसी के साथ मैं एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट आपको जोड़ना चाह रहा हूं, बड़ी सोच, ठीक है, बिग थिंकिंग। ये किताब है, फेमस राइटर है एक अमेरिका के, उनकी किताब है, मैं नाम थोड़ा मुझे मिस हो रहा है। तो ये जो बिग थिंकिंग किताब है उसमें इन्होंने सोचने के तरीके बताए। सोचने के तरीके क्या है? बहुत सारे तरीके बताए कैसे और कैसे, क्योंकि हर चीज सोच पे निर्भर करती है। एक बार एक बिजनेस मीटिंग हो रही थी, और उस बिजनेस मीटिंग में एक व्यक्ति को बुलाया गया, उसको कहा गया कि तुम लेक्चर दो, अपने बारे में बताओ कि तुम कैसे किस तरह से इतना आगे बढ़े हो, ठीक है, अपना बता रहे थे वो। उसका नाम था हैरी, अमेरिका में। हैरी की तनख्वाह $60,000 थी एनुअली। $60,000 का मतलब हो गया आज का करीब करीब 50 लाख, ठीक है, हर महीने का 4 लाख कमाने वाला। और उस मीटिंग में जितने भी लोग थे वो कमा रहे थे $12,000 एवरेज, $12,000 आज का करीब करीब 10 लाख हर महीने का, 80,000 हमारे रुपये से, ठीक है। तो हैरी से सब पूछा कि अरे तुमने क्या पढ़ाई किया है, तुम तो हमसे 5 गुना कमा रहे हो और लोग 5 गुना नहीं कमा रहे। तो पता चला सब लोगों से क्वालिफिकेशन पूछा, हर चीज पूछा, स्किल पूछा, इंटेलिजेंसी पूछी, तो करीब करीब सबकी बराबर थी, एक जैसे स्कूल में पढ़े थे। लेकिन हैरी को 5 गुना तनख्वाह क्यों मिल रहा था? तो कहा कि तुम्हें क्या खास बात मिल गई, कोई बड़ा कंपनी मिल गया? हैरी ने कहा ऐसी बात नहीं है, हम आपसे 5 गुना सोचते हैं ज्यादा बड़ा। तो 5 गुना बड़ा सोचेंगे तो 5 गुना बड़ा बनेंगे। तो सबसे बड़ी चीज होती है सबसे बड़ा सोचो। जब हम बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे। जब आप सोचोगे ही कलर का, जब आप सोचोगे समूह का, तो आप चपरासी बनोगे, समझ रहे हैं? जब आप सोचोगे आईएएस का, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, मैकेनिज्म उसी तरह से काम करता है। आप जिस चीज को जैसे सोचते हो, आप सोचते हैं कि सुबह 4 बजे उठना है, तो आपका दिमाग जो है ना 4 बजे उठने के हिसाब से काम करता है, आपको उठाने लगता है। एग्जाम के समय नींद टूट जाती है ना, कैसे? क्योंकि आपने दिमाग को कह रखा है भाई मेरा एग्जाम है, आपने सिस्टम को इंफॉर्मेशन दे दिया, अब वो बोल रहा है पाँव को हाथ को कि उठ जाना, टाइम पे इसका एग्जाम है, समझ आ रही बात। आम दिनों में जब तुम कहते हो कि नहीं मैं तो नहीं उठ पाओगे, तुमने इंफॉर्मेशन दे दिया नहीं उठ पाओगे, तो वो पाँव हाथ आंख कान नाक सबको पता चल चुका है भाई ये तो नहीं उठ पाएगी, तुम्हें 7 बजे उठना है, ये नहीं उठ पाएगी, तो नहीं उठ पाते। तो उसी तरह काम करता है, तुम बोलोगे आईएएस बनना है तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही काम करेगा कि आईएएस बनना है भाई, मुझे तो समझ में आ रहा है मैडम की बात। तो लास्ट सेशन में, लास्ट मिनट में आपसे एक बात मैं करना चाह रहा हूं, एक दो क्वेश्चन आप में से कोई अगर सवाल करना चाहते हैं आप सवाल कर सकते हैं, कुछ भी, क्या बनना चाहते हैं आप बताइए, ठीक है, शर्माइए नहीं, अपना नाम बताइए और आप नाम बताओ और कोई सवाल बता दो। हाँ
कोई भी पीछे पीछे दे दो उसको, हाँ कोई बात नहीं, ये दिस इज द मैटर ऑफ बिग थिंकिंग। मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं ये बात बोलता हूँ, चाय वाला जो है ना, भारत में एक चाय वाला प्रधानमंत्री हो गया, और कुछ लोग ना पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं कर पाते, वजह उसकी यही है, समझ में आई बात, मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग।